डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिजिजिल एक्सरसाइज 6.1 को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इन प्रॉब्लम्स 21 to 30, फाइंड द सर्कल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन पावर सीरीज। इन क्वेश्चन में हम स्टूडेंट्स पावर सीरीज का सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इन रिजल्ट्स को यूटिलाइज करेंगे। इस रिजल्ट को स्टूडेंट्स आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस रिजल्ट्स को आप स्टूडेंट्स रेशियो टेस्ट कहते हैं, रेशियो टेस्ट। और इस रेशियो टेस्ट को हम यहां पर इस एल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज करेंगे, ताकि आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड कर सकें। यानी जो आर है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होता है 1/L के। यानी पहले आप यहां से एल की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस फार्मूले में आप पुट करेंगे, तो यहां से आपको स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आपने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है तो आप स्टूडेंट्स इस आर की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करेंगे, यानी जेड माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स होता है हमारे पास सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। इसे आप क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। यानी यहां पर स्टूडेंट्स हमने आर की वैल्यू पुट करनी है, इस कैपिटल आर की, जो आप यहां से निकालेंगे। और इस आर को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर L की वैल्यू स्टूडेंट्स जीरो होती है तो R की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, इनफिनिटी होगी। किस तरह, देखें R इज इक्वल टू हमारे पास है 1/L। तो अब यहां पर जब L की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो 1/0 क्या होता है स्टूडेंट्स, अनडिफाइंड होता है। तो R की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, इनफिनिटी हो जाएगी। तो अगर आप L की वैल्यू इनफिनिटी निकालते हैं तो उस केस में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, जीरो होगी। यानी 1/∞ इज इक्वल टू जीरो। तो ये कुछ रिजल्ट्स से जिन्हें हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है। ये वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है, ए एन की वैल्यू होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, ए एन की वैल्यू। और ये वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होती है, जेड नॉट की वैल्यू होती है। यानी जब हम सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड करेंगे तो ये हम जेड की वैल्यू लेंगे और ये जेड नॉट की वैल्यू लेंगे। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर हम सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे जेड माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू आर। तो यहां पर सिंपल आप जेड नॉट की वैल्यू पुट करोगे, जो भी आपके पास स्टूडेंट्स पावर सीरीज होगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो जीरो है चाहे जो भी कम्प्लेक्स नंबर है, आप यहाँ पर पुट करेंगे। और ये टोटल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम कैसे निकालेंगे, पहले हम एल की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे आर इज इक्वल टू 1/L। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये हमें ए एन की वैल्यू गिवन थी। तो पहले हम इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें ए एन की वैल्यू गिवन थी 1/(1 - 2i)^(n+1)। ये हमें गिवन थी। तो अगर हमने स्टूडेंट्स एल फाइंड करना है तो हम ये रिजल्ट यूज करेंगे, लिमिट एन
approaches to infinity, a n plus 1 over a n ka mod. इसे हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए. तो देखिए यहां पर ए एन एम गिवन है, अब हमें चाहिए ए एन प्लस वन चाहिए. तो जब आप इसे ए एन प्लस वन बनाते हैं तो ये हमारे पास बनता है वन ओवर वन माइनस टू आयोटा की पावर. अब देखें पहले है हमारे पास एन प्लस वन है, तो जब आप एन को एन प्लस वन रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा एन प्लस टू बन जाएगा. तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, हम इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करते हैं. तो ये बन जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी, यानी ये हमारे पास आ जाएगी वन ओवर वन माइनस टू आयोटा की पावर एन प्लस टू, ओवर आ जाएगा स्टूडेंट्स वन ओवर वन माइनस टू आयोटा की पावर एन प्लस वन. तो जब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी वन ओवर वन माइनस टू आयोटा की पावर एन प्लस टू, और ये वैल्यू जो नीचे वाली है यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा वन माइनस टू आयोटा की पावर एन प्लस वन ओवर वन, ये आ जाएगी. तो देखिए स्टूडेंट्स इसे आप लिख सकते हैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी, देखिए बेस सेम, पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ये सिंपल आ जाएगा वन ओवर वन माइनस टू आयोटा की पावर एन प्लस टू माइनस एन माइनस वन, ये वैल्यू आ जाएगी. तो इसको मजीद सॉल्व करें तो ये बनता है लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी, ये आ जाएगा वन ओवर वन माइनस टू आयोटा का मॉड. देखिए ये एन से एन कैंसिल, टू माइनस वन ये आ जाएगा वन, सिंपल हमारे पास आ जाएगा वन ओवर वन माइनस टू आयोटा. तो यहां पर स्टूडेंट्स एन नहीं है तो इसे आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ वन ओवर वन माइनस टू आयोटा. तो अगर हम इसका मॉड फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, पहले आप क्या करेंगे इससे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो देखें वो हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ये बेसिकली आप स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं. तो वन ओवर वन माइनस टू आयोटा, इसे आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे किससे, वन प्लस टू आयोटा से. तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये चेंज हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में. तो ये हमारे पास बनता है वन प्लस टू आयोटा ओवर फाइव. तो देखें ये फाइव किस तरह बनता है ये आप मुझे खुद बताएंगे कमेंट्स में कि ये हमने फाइव किस तरह बनाया. तो इसे आप लिख सकते हैं वन ओवर फाइव प्लस टू ओवर फाइव आयोटा, यानी ये हमारे पास आ जाएगी वन ओवर फाइव प्लस टू ओवर फाइव आयोटा मॉड. तो मॉड हम किस तरह निकालते हैं, जिस तरह हम निकालते हैं मॉड, तो इसका मॉड निकालें तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बनता है वन ओवर फाइव होल का स्क्वायर प्लस टू ओवर फाइव होल का स्क्वायर, ऊपर की आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी. तो इसे आप सॉल्व करें तो ये बनता है हमारे पास वन ओवर ट्वेंटी फाइव प्लस फोर ओवर ट्वेंटी फाइव होल का स्क्वायर रूट. तो ये हमारे पास आता है स्टूडेंट्स फाइव ओवर ट्वेंटी फाइव का होल का स्क्वायर. तो इसे आप लिख सकते हैं वन ओवर फाइव होल का स्क्वायर रूट, या इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं वन ओवर फाइव स्क्वायर रूट. और ये स्टूडेंट हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स एल की वैल्यू है. ठीक है, ये आपने एल की वैल्यू फाइंड की है तो आप आर किस तरह फाइंड कर सकते हैं, यानी ये हमारे पास होता है वन ओवर एल. तो यहां पर एल की वैल्यू हमारे पास वन ओवर फाइव स्क्वायर रूट है, ये आ जाएगा वन ओवर फाइव स्क्वायर रूट.
इसे आप स्टूडेंट लिख सकते हैं यहाँ पर ये आज आर ये जो 5 स्क्वायर रूट होगा ये ऊपर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आती है स्टूडेंट्स 5 स्क्वायर रूट, ये आर की वैल्यू है। तो अगर आपने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है तो ये बन जाएगा जेड माइनस, अब जेड नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 iota, इसका मॉड ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास आर की वैल्यू हमने निकाल ली है 5 स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ये दोनों का आंसर इस क्वेश्चन का ये आंसर है हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट्स प्रीवियस पेज पर, तो अभी हमने स्टूडेंट्स जो एल की वैल्यू क्या निकाली है स्टूडेंट्स हमारे पास एल की वैल्यू हमारे पास है 1/5 स्क्वायर रूट। तो यहां से स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 5 स्क्वायर रूट, तो इसे आप यहां से चेंज करेंगे तो इसकी जो राइट वैल्यू हमारे पास आती है वो हमारे पास है 1/5 स्क्वायर रूट, ये एल की वैल्यू है और आर की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 5 स्क्वायर रूट, आर की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 5 स्क्वायर रूट। और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या होना है 1 नहीं होना, ये सिंपल होना है जेड माइनस 2 iota का मॉड इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट। तो ये करेक्शन आपने कर लेनी है क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो यहां पर स्टूडेंट ये हमें पावर सीरीज गिवन थी, तो देखिए स्टूडेंट जब आप इस फार्मूले को या इस रिजल्ट को यूज करेंगे एल की वैल्यू के लिए तो देखिए क्या आता है हमारे पास। यहां पर स्टूडेंट ये हमारे पास है टोटल ये वाली वैल्यू आप कह लें, क्योंकि अब ये वाली हमने लेनी नहीं है स्टूडेंट्स, क्यों नहीं लेनी इसमें जो के है इन्वॉल्व नहीं है, तो आप सिंपल ये वाली वैल्यू ले लें। तो ये हमारे पास बनता है हमारे पास ए एन, वैसे स्टूडेंट हमारे पास ए एन ये टोटल वैल्यू बनती है ये टोटल वैल्यू, तो आप अपनी आसानी के लिए क्या करें इसमें के इन्वॉल्व नहीं है सेकंड वैल्यू में, तो आप इसको मतलब ये है कि आप यहाँ पर ये वैल्यू ले भी नहीं सकते, ले लें तब भी स्टूडेंट ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, अगर ना लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल आप एन की वैल्यू ले लें 1/n। तो अगर आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट्स तो आप क्या करेंगे ए एन प्लस 1 फाइंड करेंगे, तो ए एन प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा 1/n+1। तो अगर आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास बनता है 1/n+1/1/n, तो n ये ऊपर आ जाएगा स्टार्ट में, तो ये सिंपल बन जाएगा n/n+1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसने k को वैसे रहने दिया है तो आप इसको n में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप यहां से k को यानी कॉमन लें या n को कॉमन लें तो ये रिजल्ट बनता है लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी, इधर n को अगर कॉमन लें तो ये आ जाएगा n इंटू 1 ओवर आ जाएगा स्टूडेंट्स n इंटू 1+1/n। तो ये n से n कैंसिल, ये सिंपल बनता है लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी, ये आता है स्टूडेंट हमारे पास 1/1+1/n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपलेस्ट में आप लिमिट की वैल्यू पुट करें तो यह आ जाएगा 1/1+1/∞। तो आप जानते हैं 1/∞ 0 होता है, ये बन जाएगा 1/1+0, सिंपल इसे आप लिख सकते हैं 1। तो देखिए ये हमारे पास 1 आ चुकी है, ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स एल की वैल्यू है। तो अगर आप आर की वैल्यू फाइंड करते हैं वो भी हमारे पास 1 आती है, क्योंकि 1/1 स्टूडेंट हमारे पास 1 ही होता है। तो अगर आप सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा जेड का मॉड इज इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट ये जेड की पावर की है, इसमें जो जेड नॉट है वो 0 है, कि ये क्वेश्चन होना चाहिए था ये इस तरह जेड माइनस जेड, जेड नॉट की कोई वैल्यू होती तो यहाँ पर ये 0 वैल्यू है। तो इस टोटल की पावर क्या होती है स्टूडेंट्स के होती, या इसे आप लिख सकते हैं जेड की पावर के, सिंपल इस तरह ये लिखा हुआ है। अगर सिंपल जेड की पावर की है सिंपल है कि इसमें जेड नॉट क्या है 0 है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, ये आ जाएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारे पास है ए एन की वैल्यू है और ये टोटल हमारे पास, अगर यहाँ से स्टूडेंट्स हम माइनस कॉमन लेते हैं तो फिर हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स 1+iota,
ठीक है, अगर आप माइनस कॉमन लें तो ये हमारे पास आता है 1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास है स्टूडेंट्स यहाँ पर जेड नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें ये रिजल्ट, यानी इस वैल्यू को हम यूज करेंगे ए एन की वैल्यू को, तो इस रिजल्ट में स्टूडेंट्स आप अप्लाई करें तो ये बनता है -1 की पावर n+1 ओवर n+1 2 की पावर n+1, क्योंकि हमें चाहिए ए एन प्लस वन ओवर ए एन चाहिए। तो ए एन गिवन है तो आप ए एन प्लस वन भी इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो फिर इसको अगर आप मजीद सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे देखें हमारे पास है -1 की पावर n+1 ओवर है स्टूडेंट्स n+1 2 की पावर n+1। तो जब आप ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाएंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा n 2 की पावर n ओवर आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 की पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप इसे मजीद सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है, ये देखें ये बेस बराबर है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और इधर देखें 2 की पावर n है और इधर है 2 की पावर n+1, तो बेस सेम है, पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये सिंपल आ जाएगा -1 की पावर n+1 -n और साथ में भी n है, ये वाला n स्टूडेंट्स साथ में आ जाएगा, ओवर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास n+1 2 की पावर n+1 -n। तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है, देखिए ये n से n कैंसिल, तो -1 की पावर 1 ये हमारे पास होता है -n आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -n, ये साथ में ये n भी है तो ये आ जाएगा -n ओवर आ जाएगा n+1.2 आ जाएगा। देखिए ये n से n कैंसिल, सिंपल 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या होना है, यहाँ पर माइनस भी होना है, तो ये आपने स्टूडेंट्स करेक्ट कर लेना है, यहाँ पर माइनस होना था, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी n/(n+1.2) आ जाएगा। तो आप क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ से n कॉमन लें तो ये हमारे पास बनता है 1/2 (n)(1+1)/n, तो साथ में ये माइनस भी होना था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 -1/2 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, l की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, एज n 1/(n) अप्रोचेस 0, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी 1/(n) अप्रोचेस टू 0 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देयरफॉर बाय इक्वेशन 12 वी हैव r इज इक्वल टू 2। l की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 1/2 है, -1/2 है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत एरर है, तो इसको आप यहाँ पर ये करेक्ट कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारे पास r की वैल्यू क्या आती है, r इज इक्वल टू 1/(l), तो l की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है -1/2, तो ये बन जाएगा -2, तो r की वैल्यू -2, तो इधर आना है हमारे पास z-(n)(1+iota)^(-2). ये हमारे पास आता है सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस और ये हमारे पास आता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ पर माइनस भी होना था। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये ए एन की वैल्यू है हमारे पास, और यहाँ पर ये जो 3 iota होता है, सिंपल हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, z-z0 होता है, z-z0। ठीक है, इसका मॉड क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास r के इक्वल होता है। तो यहां से अगर हम देखें z0 की, या इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहां पर अगर हम z0 की वैल्यू लेते हैं, -3 iota लेते हैं, तो फिर भी स्टूडेंट्स यहां पर, यानी माइनस और माइनस ये प्लस होके यही वैल्यू आ जाती है, सिंपल ये टोटल हमारे पास क्या है, z-z0 की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम l की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/(n+1)^(3+4iota)^(n+1) ओवर आ जाएगा 1/(n)^(3+4iota)^(n). तो अब इसको जब आप मजीद सॉल्व करेंगे तो ये पावर इसके साथ माइनस होगी,
ठीक है, और जो एन स्क्वायर है वो स्टूडेंट्स कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इधर वन पर शिफ्ट, ये बन जाएगा एन स्क्वायर ओवर वन प्लस एन वन एन प्लस वन का स्क्वायर इन टू थ्री प्लस फोर आयोटा। तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स, ये आप सोच रहे होंगे कि वन ओवर फाइव कहां से आ चुका है, तो यहां पर है थ्री प्लस फोर आयोटा। तो अगर आप इसका मोड अलग करते हैं तो ये बनता है वन ओवर थ्री प्लस फोर आयोटा मोड, ठीक है। यानी यहां पर स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यू वैसे आ जाएगी एन स्क्वायर, ये देखिए एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर, एन प्लस वन का स्क्वायर, और ये वन ओवर फाइव आ चुका है, यानी इसका ये मॉड आ चुका है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो मॉड कैसे सॉल्व करते हैं देखें, पहले आप इसे लिखेंगे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म, तो ये बनता है वन ओवर थ्री प्लस फोर आयोटा मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस फोर आयोटा ओवर आ जाएगा थ्री प्लस सॉरी थ्री माइनस फोर आयोटा, तो ये हमारे पास बनता है थ्री माइनस फोर आयोटा ओवर आता है स्टूडेंट्स नाइन और प्लस आता है सिक्सटीन, और देखिए तो ये आता है थ्री माइनस फोर आयोटा ओवर आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी ये बनता है सिक्सटीन और ये बनता है नाइन, ठीक है, और ये कितना बनता है 16 और प्लस हमारे पास है 9, तो ये हमारे पास बनता है 25, ठीक है, 16 प्लस 4 20 और 25, तो इसे आप लिख सकते हैं 3 ओवर 25 माइनस 4 ओवर 25 आयोटा। तो अगर आप इसका मॉड फाइंड करते हैं तो देखें क्या रिजल्ट आता है, ये बनता है 9 ओवर 25 का स्क्वायर रूट, यानी 25 का स्क्वायर ये बन जाएगा, यानी ये 25 और ये 25, तो ये 5 और ये 25, ये बन जाएगा 12 और ये क्रॉस और ये 10 और ये 5, ये 625 बन जाएगा 625, और प्लस आ जाएगा स्टूडेंट्स 16 ओवर 625 स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हमारे पास बनता है स्टूडेंट्स 25 ओवर 625 स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 25 स्क्वायर रूट, तो ये सिंपल आ जाएगा 1 ओवर 5, इसलिए स्टूडेंट्स ये 1 ओवर 5 उन्होंने बाहर ले लिया था। तो बाकी ये वैसे ही हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे, सिंपल क्या करेंगे एन स्क्वायर को कॉमन लेंगे, नीचे से भी लेंगे ऊपर से भी लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 5 डॉट लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर एन का स्क्वायर। तो अगर आप देखें लिमिट अप्लाई करते हैं यानी इस लिमिट को, तो ये जीरो आता है, सिंपल ये बनता है स्टूडेंट टोटल 1, तो यहां से हमारे पास एल की वैल्यू क्या आती है 1 ओवर 5 ही आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप आर किस तरह फाइंड करेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर एल, यानी 1 ओवर 1 ओवर 5, तो सिंपल ये बनता है हमारे पास स्टूडेंट्स 5, आर की वैल्यू हमारे पास है 5, तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे इस आर की जगह पर, तो ये आ जाएगा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आप स्टूडेंट्स इस तरह फाइंड करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें ये वैल्यू है ए एन की, और ये जो आयोटा है ये जेड नॉट है, तो सिंपल आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, तो ये बनता है 1 प्लस 3 आयोटा की पावर के प्लस 1 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा की पावर के, तो बेस सेम पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, सिंपल आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा का मॉड, तो ये बनता है 10 स्क्वायर रूट, यानी इसका आप भी मॉड निकाल के देख सकते हैं, यानी ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये बनता है हमारे पास 1 प्लस 9 स्क्वायर रूट, इसे आप कह सकते हैं 10 स्क्वायर रूट। तो आर की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 1 ओवर एल, एल हमारे पास है 10 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमें ये वैल्यू गिवन है, यानी 1 ओवर k की पावर के, ये हमें स्टूडेंट्स ए के की वैल्यू गिवन है। सिंपल आप k की जगह n भी यूज कर सकते हैं, यानी an इज इक्वल टू 1 ओवर n की पावर n, ये भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी इस पर हम रूट टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और रेशियो टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जिससे आपको आसानी हो आप वो रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रूट टेस्ट है, यानी अगर हम इधर लिख लें 1 ओवर k, तो इधर भी आप लिख देंगे 1 ओवर k, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इक्वल आ जाएगा 1 की पावर 1 ओवर k, नीचे आ जाएगा k की पावर k होल की पावर 1 ओवर k। तो k से ये k कैंसिल, और देखें 1 की पावर 1 ओवर k, ये हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नंबर आएगा। यानी अगर k की वैल्यू 1 होती है तब भी 1, और अगर k की वैल्यू 2 हो जाए तब भी 1 हो जाएगा, यानी 1 स्क्वायर रूट तब भी स्टूडेंट्स 1 होता है, अगर 1 की पावर 1 ओवर 3 हो जाए तब भी स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा, हर सूरत में ये 1 रहता है। तो ये सिंपल बनता है हमारे पास 1 ओवर k या 1 ओवर n। तो अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है, यानी 1 ओवर इनफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास r की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। यानी r किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 ओवर l, l की वैल्यू ही हमारे पास 0 है, तो 1 ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास r की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो अगर आप ये यहाँ पर देखें तो z नोट की वैल्यू 0 है, तो ये सिंपल आ जाएगा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस इज z का मॉड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट इज द एंटायर कम्प्लेक्स प्लेन। यानी अगर सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू स्टूडेंट देखें, यानी ये z का मॉड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब है कि ये टोटल क्या होगा, इंटायर कम्प्लेक्स प्लेन होगा। अगर देखें अगर ये आ जाती वैल्यू कि z का मॉड इज इक्वल टू 5 आ जाती, तो हमारे पास ये जो हमारे पास होना था सर्कल होना था स्टूडेंट्स, वो 5 होना था, 5 रेडियस का, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स आप सर्कल बनाते वो क्या होना था, 5 यूनिट्स का होना था। किस z नॉट ये हमारे पास अब 0 0 है, ये इसके गिर्द स्टूडेंट्स ये r यानी 5 यूनिट का रेडियस होना था, सर्कल होना था। तो ये हमारे पास क्या होता है कि इस सर्कल के अंदर ये जो होती पावर सीज वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। इस सर्कल के अंदर स्टूडेंट आप जो भी पॉइंट लेंगे वो उस हर एक पॉइंट पर क्या होगी, कन्वर्जेंट पावर सीरीज होगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करें।